हेलो दोस्तों, गेट्स मैशेस में आपका स्वागत है। आज का क्वेश्चन है एवीएल ट्री में से, लेट्स रीड द स्टेटमेंट फर्स्ट। हाउ मेनी रोटेशंस आर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एवीएल ट्री इफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर एडेड इन द गिवन ऑर्डर। मतलब यहाँ पे ये एलिमेंट्स दिए हुए हैं, इनके ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही आपको एवीएल ट्री में ऐड करना है और फिर फाइंड आउट करना है कितनी रोटेशंस आपकी लगेंगी। और यहाँ पे चार ऑप्शंस हैं आपके पास, टू लेफ्ट थ्री राइट, थ्री लेफ्ट टू राइट, इस तरीके से आपको यहाँ पे ऑप्शंस दी हुई हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, एवीएल ट्री जो है ये एक्सटेंशन है किसकी, बाइनरी सर्च ट्री की। बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी क्या होती है कि लेफ्ट एलिमेंट में, मतलब अगर हमारे पास रूट में 20 है तो लेफ्ट एलिमेंट में हमेशा लेस एलिमेंट होता है और राइट में हमेशा बड़ा एलिमेंट जो है वो पेरेंट से होता है। तो यहां पे बाइनरी सर्च ट्री में प्रॉब्लम क्या आती है, सर्चिंग में। अगर आपके एलिमेंट्स इस तरीके से आ रहे हैं कि सारे के सारे एलिमेंट एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, लेट्स से 10 के बाद 20 आया तो हम राइट में लगाएंगे, 30 आया तो फिर राइट में, 40 आया फिर राइट में, 50 आया फिर राइट में, इस तरीके से अगर आपके एलिमेंट्स आ रहे हैं तो देखो आपके एलिमेंट्स हमेशा एक डायरेक्शन में ही जा रहे हैं। एक डायरेक्शन में जाने का मतलब है एक तरह से राइट स्क्यूड ट्री की तरह बन गया। तो इस केस में बाइनरी सर्च ट्री की मैक्सिमम हाइट कितनी हो सकती है, ऑर्डर ऑफ एन। तो वर्स्ट केस में अगर ऑफ ऑर्डर ऑफ एन हो सकती है तो सर्चिंग में भी आपको कितना टाइम लग सकता है, ऑर्डर ऑफ एन। तो यहां पे जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है बाइनरी सर्च ट्री में, वो एवीएल ट्री जो है वो रिमूव करता है। बिकॉज एवीएल ट्री किस फंडे पे चलता है, बैलेंस्ड फंडे पे। मतलब ये हमेशा ट्री को बैलेंस रखता है, और वो बैलेंस कैसे रखता है वो हम इस एग्जांपल में यहां पे देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एवीएल ट्री को बनाना। सबसे पहले अगर हम बात करें 35, तो 35 एलिमेंट को हमने इंसर्ट किया, देन आया 50, तो 50 एलिमेंट जो है वो 35 से बड़ा है तो हमने 35 के राइट में लगाया। देन 40 एलिमेंट आया तो आपको पता है 40 35 से बड़ा है लेकिन 50 से छोटा है तो हमने 50 के लेफ्ट में लगाया। लगाना तो आपको बाइनरी सर्च ट्री के अकॉर्डिंग ही है लेकिन आपको यहां पे बैलेंस फैक्टर काउंट करना है। तो देखो, बैलेंस फैक्टर हमेशा काउंट करो आप जो एलिमेंट आपने अभी अभी लगाया है, 50 लगाया उसके बाद 40 लगाया। तो 40 का सबसे पहले बैलेंस फैक्टर निकालते हैं। तो इसके लेफ्ट में देखो कोई है, राइट में देखो उनकी हाइट ले और माइनस करो। तो यहां पे देखो लेफ्ट में कोई है, नहीं है, राइट में नहीं है, तो इसका बैलेंस फैक्टर जीरो है। और बैलेंस फैक्टर हमेशा -1, 0 और +1 के बीच में ही होना चाहिए। तो 50 की बात करें, 50 के लेफ्ट में एक एलिमेंट है, हाइट एक है, राइट में नहीं है, तो 1-0 करोगे 1 तो नो प्रॉब्लम। लेकिन 35 का देखो, 35 के लेफ्ट में कोई भी नहीं है, मतलब 0, और राइट में जो एलिमेंट्स हैं उनकी हाइट कितनी है, मैक्सिमम 2, तो 0-2 करोगे तो यानी -2 आ रहा है। तो 0-2 के केस में आपको पता है कि अगर इन तीन में है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अदरवाइज चाहे -2 आए +2 आए आपको इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो इस केस में आपको जब पता है कि इसका बैलेंस फैक्टर गड़बड़ आ रहा है तो आप कैसे ठीक करोगे, सबसे पहले तो रोटेशन देखो यहां पर कौन सी आ रही है। रोटेशन फाइंड आउट करने के लिए ना गाइज आपको क्या करना है, जिस नोड की बैलेंस फैक्टर गलत आ रहा है या सही नहीं आ रहा आपको वहां से स्टार्ट करना है और जो एलिमेंट अभी लगाया था उसकी तरफ जाना है। जब बैलेंस फैक्टर काउंट कर रहे हैं तब हम जिस एलिमेंट को अभी लगाया वहां से चलते हैं, और जब हमने काउंट कर लिया और आपको पता लग गया कि हाँ यार इसमें एक एलिमेंट ऐसा है जिसका बैलेंस फैक्टर सही नहीं है, तो आपको अब रोटेशन फाइंड आउट करने के लिए कि क्या यहां पे लेफ्ट राइट है, राइट लेफ्ट है, लेफ्ट लेफ्ट है, लेफ्ट या फिर राइट राइट है, तो उसको पता लगाने के लिए आपको जहां पे आपका बैलेंस फैक्टर गलत आ रहा है वहां से स्टार्ट करो। तो 35 से स्टार्ट किया, नए नोड की तरफ जाना है, तो देखो सबसे पहले आप राइट में गए फिर आप लेफ्ट में गए, तो यानी यहां पे कौन सा रोटेशन है, राइट लेफ्ट। तो राइट लेफ्ट को अगर आपको ठीक करना है तो आपको याद रखना है यहां पे राइट लेफ्ट के केस में हमें दो रोटेशंस जरूरत पड़ती है, और राइट लेफ्ट और राइट के केस में भी दो रोटेशंस की यहां पे जरूरत पड़ती है, अभी आपको पता लग जाएगा। तो राइट और लेफ्ट में अगर आपको इसको ठीक करना है, बैलेंस फैक्टर ठीक करना है, तो क्या करना पड़ेगा, राइट लेफ्ट को आपको पहले राइट राइट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो आप कैसे करोगे, इसको राइट राइट कैसे बनाओगे, मतलब इस डायरेक्शन में कैसे बनाओगे, आपको थोड़ा सा विजुलाइज करना है। अगर हम यहां पे इस तरीके से इसको देखें तो आपको ऐसे मूव करना है, मतलब 50 और 40 है, इस तरीके से आपको मूव करना है। अगर आप इस तरीके से मूव करोगे तो 40 ऊपर आ जाएगा, 50 नीचे चले जाएगा, तो यानी कौन सी रोटेशन है, ये वाली,
ये वाली है राइट साइड में, मतलब आप राइट साइड में जा रहे हो तो यानी आप यहां पे काउंट कर लो, राइट साइड में एक तरफ जाओगे तो आपका कैसे बन जाएगा 35, 40 और ये 50। तो ये कौन सी बन गई, अब राइट राइट बन गई। अब राइट राइट को आपको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से आपको आना पड़ेगा, मतलब 40 को बीच में ले आएंगे और 35 और 50 को इस तरीके से लिखेंगे। आपको थोड़ा सा इसको विजुलाइज करेंगे अगर आप, आपको इजीली यहां पे पता लग जाएगा, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इस तरीके से आपको मूव करना है, 35 नीचे 50 यहां, और ये देखो बैलेंस फैक्टर आपका हो गया। तो रोटेशन कौन सी की, लेफ्ट साइड, इस तरफ, इस तरफ, तो लेफ्ट साइड मतलब लेफ्ट में भी एक रोटेशन आपकी हो गई और ये आपका नया ट्री जो है वो बैलेंस्ड बन गया। और इसका जो है फैक्टर आप चेक कर सकते हो, बिल्कुल ठीक आ रहा है। नाउ 25 आपको पता है 35 से लेस है तो आपने यहां पे लगा दिया। देन 30 आपको पता है 25 से ज्यादा है लेकिन 35 से कम है तो आपने यहां लगा दिया। अब अगेन स्टॉप कर जाओ बिकॉज आपको चेक करना है बैलेंस फैक्टर। तो देखो 30 का तो बैलेंस फैक्टर ठीक है 0, 25 का भी आपका माइनस वन आएगा विच इज फाइन, लेकिन 35 का देखो आपको नीचे से काउंट करना है। हमेशा मैंने आपको पहले ही बताया जब बैलेंस फैक्टर देख रहे हो तो नीचे से देखो, 35 का बैलेंस फैक्टर देखो क्या आ रहा है। पहले आपने लेफ्ट में गए, मतलब लेफ्ट में और राइट में, मतलब यहां पे लेफ्ट सब ट्री की हाइट देखो कितनी है 2 और राइट सब ट्री, राइट तो इसका है ही नहीं, तो 2 - 0 मतलब 2, यहीं पे स्टॉप कर जाओ। ऑल्दो आपको यहां पे कंफ्यूजन आ सकती है स्टूडेंट्स को कि सर 40 का भी तो गलत आ रहा है, क्योंकि 40 का देखो 40 के लेफ्ट में 3 हाइट है और राइट में 1 हाइट है तो इसका भी तो 2 आ रहा है। लेकिन नहीं गाइस, आपको नीचे से जो अभी ऐड किया वहां से स्टार्ट करना है, जैसे ही आपको पहली गड़बड़ मिल गई वहीं पे स्टॉप कर जाओ। स्टॉप कर गए, अब रोटेशन देखनी है। रोटेशन मतलब क्या ये लेफ्ट राइट है, राइट लेफ्ट है, राइट राइट है, लेफ्ट लेफ्ट है, तो मैंने वो भी बताया जहां पे आपको गड़बड़ मिली है वहां से अब चलना स्टार्ट करो नीचे की तरफ, जो एलिमेंट आपने अभी लगाया 30 की तरफ जाओ। तो देखो सबसे पहले आप लेफ्ट में गए फिर आप राइट में गए, पहले लेफ्ट में फिर आप राइट में। तो मैंने अभी आपको बताया कि लेफ्ट और राइट अगर आए या राइट और लेफ्ट आए तो आपको 2 रोटेशन करनी पड़ेंगी। अब आपको लेफ्ट राइट को पहले आपको लेफ्ट लेफ्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लेफ्ट लेफ्ट में, लेफ्ट लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए आपको यहां पे करना क्या है, आपको यहां पे रोटेशन करनी पड़ेगी। रोटेशन करने के लिए आपको 35 को, मतलब यहां पे 35 तो यहीं पे रहेगा, 30 को ऊपर ले आओ, 25 को नीचे। ये देखो थोड़ा सा विजुलाइज करोगे आप इसको इस तरीके से, ऐसे ये है 25 और ये है 30, तो आप ऐसे रोटेट कर दो। जैसे ही आप रोटेट कर दोगे ये किस तरीके से बन जाएगा, 40 35 और 35 यहां पे 30 आ जाएगा, ये ऊपर 25 यहां आ जाएगा एंड 50 यहां आ जाएगा इस तरीके से। और रोटेशन कौन सी बनी, देखो आपने 30 को ऊपर कर दिया 25 को नीचे ऐसे लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में एक और आ गई तो काउंट कर लो। तो यहां पे किस तरीके से बन गया, इस तरीके। अभी ये नहीं है कि इसमें प्रॉब्लम नहीं है, मैंने अभी बताया एक रोटेशन से आपको थोड़ा क्या मिल गया, आपको लेफ्ट लेफ्ट मिल गया। ये देखो अब किस में कन्वर्ट हो गए, लेफ्ट लेफ्ट में। अब अगर आपको इसको ठीक करना है तो आपको एक इस तरीके से रोटेट करना पड़ेगा ताकि 30 ऊपर आ जाए 35 इधर आ जाए और आपका बिल्कुल यहां पे ठीक बन जाएगा। तो क्या बना दो आप, 40 30 35 यहां आ जाएगा बिकॉज 30 से बड़ा है, 25 यहां आ जाएगा बिकॉज 30 से छोटा है एंड 50 आपका यहां आ गया। ठीक है, आपने किया क्या यहां पे, इस तरीके से आपने मूव किया, 30 को यहां रखा, 35 को आप नीचे ले आए, 35 को नीचे ले आए, 30 को इधर रखा, तो कौन सी रोटेशन ली आपने, राइट रोटेशन एक और ले ली और आपका जो बैलेंस फैक्टर यहां पे इस तरीके से अब ठीक आ रहा है। कैसे, ये देखो 40 का 2 हाइट है, राइट की हाइट कितनी है 1, तो 2 - 1 1, तो यानी सारा जो ट्री है वो अभी तक बैलेंस्ड है। देन नेक्स्ट एलिमेंट हम इंसर्ट करेंगे इसमें, 30 लास्ट किया था उसके बाद हम करते हैं 60। तो 60 देखो गाइस, 60 आपका 50 से बड़ा है, यहां आ जाएगा, अभी भी बैलेंस फैक्टर बिल्कुल ठीक आ रहा है। सो द नेक्स्ट एलिमेंट इज 78, तो 78 को हम कहां पे इंसर्ट करेंगे, 60 के राइट में। तो 60 के राइट में हमने 78 को इंसर्ट किया।
अब अगेन यहाँ पे एक बार आपको स्टॉप करके चेक करना है बैलेंस फैक्टर। तो बैलेंस फैक्टर 78 का चेक करते हैं तो जीरो आएगा बिकॉज ना तो लेफ्ट में है ना राइट में। 60 का भी यहाँ पे ठीक आ रहा है बिकॉज लेफ्ट में नहीं है लेकिन राइट में भी हाइट एक है, तो राइट का जो अगर हाइट एक है तो जीरो माइनस वन मतलब माइनस वन विच इज फाइन अकॉर्डिंग टू द बैलेंस फैक्टर ऑफ AVL। लेकिन 50 का यहाँ पे आपको अगर चेक करो तो 50 का लेफ्ट में कोई भी नहीं है तो जीरो, लेकिन राइट में हाइट कितनी है दो, तो जीरो माइनस टू माइनस टू। तो यहाँ पे आपको चेक करना है बैलेंस फैक्टर, जैसे ही आपने बैलेंस फैक्टर चेक किया तो ये गलत आ रहा है। अब आपको चेक करना है रोटेशन, तो रोटेशन कौन सी आ रही है यहाँ पे राइट राइट, तो राइट राइट रोटेशन हो और अगर लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन हो तो उस केस में तो आपको एक रोटेशन में ही आपका ठीक हो जाएगा। कैसे, आपको बस 60 को यहाँ पे फिक्स रखना है, 50 को नीचे लेके आना है, मतलब इस तरीके से आपको यहाँ पे मूव करना है। 50 और 60 के अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो ऐसे आपको मूव करना है, मतलब लेफ्ट साइड में आपको एक और रोटेशन करनी है। तो जैसे ही आप एक और रोटेशन करोगे ये बन जाएगा 40, 30, 25, 35 और यहाँ पे 60, 60 के लेफ्ट में 50, 70। देखो बिल्कुल बैलेंस्ड जो है वो बन गया, इसको आप बैलेंस भी बोल सकते हो, इवन फुल बाइनरी ट्री भी बोल सकते हो बिकॉज सारे के सारे लेवल्स यहाँ पे फुल हो चुके हैं। देन अगर बात करें हम 20 की, तो 20 यहाँ पे इंसर्ट हो गया 25 के लेफ्ट में और यहाँ पे बैलेंस फैक्टर अगर चेक करें तो हम 1, 2, 3, 2 ये भी ठीक है, यहाँ पे भी ठीक है। देन 28 25 से बड़ा है और 30 से छोटा है तो यहाँ पे ऐड कर दिया। फिर देखो अगर बैलेंस फैक्टर हमने 30 का चेक किया तो 2 माइनस 1 विच इज 1, 40 का चेक करते हैं 1, 2, 3 और वहाँ पे 2, तो अगेन यहाँ पे बिल्कुल ठीक बैलेंस फैक्टर यहाँ पे आ रहा है। तो आपका जो आंसर यहाँ पे क्या आ गया, लेफ्ट 3 राइट 2, 3 लेफ्ट है और 2 राइट है, तो यानी आपका बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे ठीक बैठ रहा है। तो गाइस AVL ट्री में आपको एक्चुअल में क्या करना है, इन क्वेश्चन से एक्चुअल में मेरा एम क्या है, मेरा मोटिव क्या है यहाँ पे, कि आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स ना एक बार फटाफट रिफ्रेश हो जाएं, क्योंकि AVL ट्री में सिर्फ कंस्ट्रक्शन नहीं है, कंस्ट्रक्शन के अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि हाइट कहाँ तक जा सकती है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया स्टार्टिंग में कि जो BST है, बाइनरी सर्च ट्री है, उसकी प्रॉब्लम क्या है, वो मैक्सिमम कहाँ तक ग्रो कर सकता है, लॉग वो मैक्सिमम ग्रो कहाँ तक कर सकता है, ऑर्डर ऑफ एन तक। लेकिन AVL ट्री जो है उसकी हाइट मैक्सिमम कितनी हो सकती है, लॉग एन। तो अगर हाइट लॉग एन तक हो सकती है तो ऑब्वियस ही बात है सर्च में भी कितना टाइम लगेगा, मैक्सिमम लॉग एन। तो यही सबसे मेन पॉइंट है कि आपको इनकी सर्चिंग टाइम, इनकी हाइट, अगर हम हीप की भी बात करें तो हीप की सर्चिंग टाइम, हीप के अंदर हाइट, तो ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से याद करके जाने हैं। तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे सारे ये पॉइंट्स आपको बहुत हेल्प करेंगे एग्जाम के अंदर। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।